हाय फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ मैगी की एक बहुत ही यम्मी सी टेस्टी सी रेसिपी। तो मैगी खाना तो सभी को पसंद होता है, बच्चे हों बड़े हों, हर किसी को मैगी खाना अच्छा लगता है। तो आज मैं एक मैगी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं बनाने वाली हूँ कुरकुरे मैगी। तो ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत यम्मी लगता है खाने में। तो आप लोग एक बार इसको बना करके ज़रूर देखें। तो देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है हमारी जो मैगी है देखने में, और इसका जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो एकदम यम्मी होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अगर आप लोग भी मैगी खाने के शौकीन हैं तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना करके देखें। तो देखिए यहाँ पे मैंने मैगी के दो पैकेट्स लिए थे और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो कट करके इसकी जो मैगी है उसको निकाल लेंगे, और हमें ये ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा नहीं रखना है, हमको थोड़ा छोटा ही इसको अच्छे से क्रश करके लेंगे। तो देखिए एक तो पहले से ही टूटा हुआ था, दूसरे को भी हम यहाँ पर क्रश कर देंगे। और उसके बाद से देखते हैं अपना अगला प्रोसेस। यहाँ पे मैंने एक पतीला रखा था जिसमें हम पानी डाल रही हूँ, और थोड़ा ही पानी डालना है हमको, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नॉर्मल छोटे गिलास से एक गिलास जितना पानी है। और उसके बाद से हमने यहाँ पे कुरकुरे लिए थे, तो ये कुरकुरे मैं इस पानी में ऐड कर दूँगी। और इसके बाद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा हमको, और ये जो कुरकुरे बहुत अच्छा से एक बैटर बन के तैयार हो जाएगा, जो कि एकदम चीज़ी फ्लेवर में होगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये वाले कुरकुरे का इस्तेमाल नहीं करना हो तो जो नॉर्मल ग्रीन वाला पैकेट आता है कुरकुरे का, चीज़ी कुरकुरे करके जो आता है, वो आप यूज़ करें। तो क्या होता है कुरकुरे डालने से मैगी में ये बहुत चीज़ी जैसा फ्लेवर आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कुरकुरे का इस्तेमाल। और उसके बाद से देखिए धीरे धीरे ये अच्छे से गाढ़ा हो गया, और होने के बाद से हमने यहाँ पे जो हमारा मैगी मसाला था वो भी हम यहीं पे ऐड कर देंगे, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे, अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, इतना ही हमको रखना है। और अब हम इसको ढक करके हटा देंगे। तो इसको ना बहुत अच्छे से क्रश करते हुए चलाना है फ्रेंड्स, ताकि इसमें ना बिल्कुल भी कुरकुरे ना रहे, ये अच्छे से एक बैटर बन जाए। तो देखिए बहुत अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है ये, और हमको इसी प्रकार का चाहिए। और हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस पे। तो अब इसको ढक करके हम रख देंगे। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली थी और उसमें तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला था, तो थोड़ा पहले हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, उसके बाद से हम डालेंगे बटर। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों को चॉप करके लिया था, जिसमें प्याज टमाटर हरी मटर और शिमला मिर्च और हरी मिर्च को लिया था मैंने। तो आप लोग इसमें कोई भी अपने मनपसंद की वेजेस डाल के उसको बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से तेल को गर्म कर लिया, और बटर और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो और फिर गर्म हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे हरी मिर्च को ऐड करेंगे। जब हमारी हरी मिर्च अच्छे से पक जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे और चीज़ों को भी ऐड कर देंगे। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे डालूँगी प्याज। तो प्याज नॉर्मल हमने 2 मीडियम साइज के प्याज काट के लिए, और लंबा लंबा काट के लिए, आप चाहें तो फाइन चॉप करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैगी में इस प्रकार के लच्छे वाले प्याज अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। और प्याज बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, नॉर्मल ब्राउन होने तक इसको अच्छे से पकाना है हमको। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, और होने के बाद से मैं यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर दूँगी, ताकि ये भी साथ में पक जाए। शिमला मिर्च, मटर और गाजर और टमाटर, ये सब चीज़ें जो हमने ली थी, ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी इसमें। और टमाटर का इस्तेमाल मैं छोटे छोटे 2 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैगी को एक टैंगी सा फ्लेवर देने के लिए टमाटर का यूज़ करना होता है। तो इससे क्या है ना, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद से हम यहाँ पे नमक वगैरह भी ऐड कर देंगे। तो मसाले में मैं सिर्फ हल्दी और नमक डालती हूँ, तो नमक आप लोग अगर कम खाते हो तो थोड़ा सा कम क्वान्टिटी में ऐड करें, क्योंकि जो मैगी मसाला होता है उसमें भी नमक होता है, और हमने जो कुरकुरे का बैटर बना के रखा था उसमें भी नमक है, तो इसलिए वहाँ पर नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ी सी हल्दी डाली थी, हल्का सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारी सब्जियों में अच्छे से मसाले हमारे मिल जाएँ। और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के पकाएंगे, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर नमक ऐड किया है, तो टमाटर और मटर वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी। तो बस अब इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक के छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और 2 मिनट छोड़ने के बाद से मैंने इसको वापस से चेक किया, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी, ताकि ये अभी, क्योंकि हमारे मटर जो है वो कच्चे हैं, प्रॉपर नहीं पके हैं, तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि नीचे से जले ना, और फिर इसको लिड लगा के पका लेंगे। तो यहाँ पे पकाने के बाद से वापस से मैंने हटा करके इसको चेक किया, तो देख सकते हैं आप लोग अब यहाँ पर हमारे मटर भी अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सूखा ही बनाऊँगी। तो देखिए इसको अच्छे से चलाने के बाद से फिर हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं किसी कटोरी या गिलास से नहीं डाल रही हूँ, नॉर्मली मुझे जितनी ग्रेवी रखनी है मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 मैगी के पैकेट हमने लिए हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा डालेंगे।
और उसके बाद से हमने जो पेस्ट बना करके रखा था अपने कुरकुरे और मैगी मसाले का, वो भी अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसीलिए मैंने पानी थोड़ा सा कम ही रखा है, क्योंकि ये भी लिक्विड वाला ही है तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस मैंने उसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद से हम इसको बहुत अच्छे से चलाएँगे। देखिए नीचे बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा अभी, और साइड साइड से जो मसाला चिपका है उसको भी अच्छे से निकाल लेंगे। और उसके बाद से देखिए अच्छे से चलाएँगे, लिड लगा के थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे, और उसके बाद फिर जब इसमें ऑयल आ जाएगा फिर हम इसमें मैगी भी ऐड कर देंगे। तो देखिए अच्छे से पक गया है, ये उबाल अच्छे से आया, तब हम यहाँ पे जो हमने मैगी क्रश करके रखी थी वो भी डाल देंगे। तो इसमें मैगी को बॉईल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, साथ में ही बॉईल हो जाता है। और मैगी का जो स्टार्च होता है उसकी वजह से बहुत थिक हो जाती है हमारी मैगी, और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स पानी एकदम प्रॉपर है, मैंने ना ज़्यादा डाला है ना कम डाला है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना कम ज़्यादा कर लें। तो नॉर्मली ये बड़े गिलास से 1 से 1.5 गिलास जितना पानी था, और बाकी हमारा जो लिक्विड हमने बना के रखा था बैटर वो था, तो 1.5 गिलास पानी में अच्छे से हो गया। और देखिए यहाँ, तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी मैगी, जो कि एकदम मस्त एकदम चीज़ी टाइप की बनी है। तो बिना चीज़ के भी आप लोगों ने देखा कितने आराम से हम लोगों ने चीज़ वाली मैगी बना ली, और ये प्रॉपर पक चुकी है। तो ये कुरकुरे डालने के वजह से सच में गाइस एकदम चीज़ वाला फ्लेवर आता है इसमें। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, और ऐसी ही हल्की फुल्की रेसिपीज़ बहुत सारी मेरे चैनल पे हैं, तो आप लोग एक बार जा करके ज़रूर देखें। और ये मेरी ये वाली वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, मैगी की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो देखिए कितनी मस्त एकदम टेस्टी यम्मी सी मैगी बनके तैयार हो गई है हमारी। तो आप लोग भी बनाएं खाएं, और बच्चों को भी बना करके खिलाएं, उन लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और उस ऊपर से हमने इसमें वेजिस डाल के बनाई है, तो जिसकी वजह से ये बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स लग रही है ना बहुत यम्मी, बहुत ही टेस्टी सी। तो फिर आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से देखिए कितनी मस्त बनी है हमारी मैगी, एकदम खिली खिली बनी है। तो ऐसी ही मैगी चाहिए होती है, ना ज़्यादा पतली अच्छी लगती है ना ज़्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको सर्व करके दिखाया है, और बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखने में। और सच में गाइस जितना ये देखने में टेस्टी है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो आ गया ना आप लोगों के मुँह में भी पानी। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और इन्जॉय करिए। और मेरी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कैसी बनी आपकी कुरकुरे मैगी मेरे साथ कमेंट में फीडबैक शेयर करना ना भूलें। तो ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, और एक बार ट्राई करके देखें। आप लोगों ने देखा कितना इजी था इसको बनाना, तो एक बार ट्राई करना तो इसको बनता है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।